एमपी में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सागर जिले से कांग्रेस की एकमात्र विधायक निर्मला सप्रे ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले अब तक कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में दल बदल का सिलसिला जारी है। रविवार को कांग्रेस को एक और झटका लगा है। बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने भाजपा का दामन थाम लिया है। सीएम मोहन यादव ने निर्मला को चुनावी मंच पर सदस्यता दिलाई। कांग्रेस विधायक के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने कहा कि कांग्रेस से उनकी पार्टी के लोग नाराज हैं, वहां उन्हें वह सम्मान नहीं मिल रहा है और पार्टी की विचारधारा भी ठीक नहीं है। कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है और उस भगदड़ में अब तो विधायक और सांसद भी, ये सभी पूर्व विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री जैसे ऐसे आ रहे हैं। अभी पूर्व विधायक, वर्तमान की विधायक आई हुई हैं और वो भी क्या कह रही है कि जीतू पटवारी जी जिस प्रकार से महिला समाज का अपमान करते हैं, वो राहुल गांधी जी का जो एजेंडा है शक्ति से लड़ने का, तो माता बहनों में माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, हम नवदुर्गा दुर्गा देखते हैं, उन शक्ति का अपमान कर रहे हैं। और जीतू पटवारी जी भी उसी एजेंडे को पूरा कर रहे हैं जो राहुल गांधी का है। और माताओं बहनों में जो गंदे शब्द, रस और चाशनी की जो बात आती है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ आपके चैनल पे, ऐसा ढूंढते हैं, बहुत अपराध करते हैं, उससे पीड़ित होकर के, उससे दुखी होकर के और प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के वो भारतीय जनता पार्टी में आई है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको सदस्यता दी हुई है, दिलाई है नेतागणों ने। सभी ऐसे जो नेतागण है, जो विधायक गण है, वो आ रहे हैं छोड़ छोड़ के, सभी का स्वागत करती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं इस दल बदल पर कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि जो भी लोग कांग्रेस से भाजपा में जा रहे हैं वह कहीं ना कहीं लालच को देखते हुए पार्टी को छोड़ रहे हैं या फिर इन पर किसी तरह का दबाव भी हो सकता है। भाजपा की रीति नीति ठीक नहीं है। सरकार असहज महसूस कर रही है इन चुनावों को लेकर के, इसलिए कि उन्होंने कांग्रेस से बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराने की बात की। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाराज हो गया। भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो दरी उठाता था, झंडे लगाता था, उसने काम करने से मना कर दिया, इसलिए कांग्रेस से ला करके लोगों को चुनाव में मदद लेना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी। आप क्यों घबरा रहे हैं? अगर आपने काम किया है, आपने इस देश में महंगाई दूर करने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर आपको वोट मांगने में शर्म नहीं आना चाहिए। अगर आपने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दिया है, 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, तो एक लिस्ट जारी कर दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। लेकिन आज इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लोगों को मालूम है कहीं ना कहीं दबा के, कहीं ना कहीं दबाव डाल के, कहीं ना कहीं पैसों का लालच दे करके आप अगर ज्वाइन कराएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पराजय को प्राप्त होंगे, क्योंकि जनता जानती है कि ना इनका कोई सिद्धांत था, ना इनके पास कहीं कोई वचन को लेकर दृढ़ता है, इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस कृत्य को कर रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।